हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं रोल ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और बाय द वे, ये हमारे वीडियो सेशन का पार्ट टू है, जो कि हमारा एक वीडियो सेशन चल रहा है ABCD ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट वन को देख लो और फिर पार्ट टू के साथ आगे बढ़ो, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो हमारे आसपास हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हाउ बिग इज़ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, हाउ फार डिड इट ट्रेवल, ये चीज़ कितने दूर तक जा सकती है, या फिर हम लोगों को कितने दूर जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मेज़र करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये जो हम लोग सारी चीज़ें करते हैं हमारे आसपास, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, इसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ का मेज़रमेंट, किसी चीज़ को मेज़र करना। ये कोई बड़ी एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली हम लोग ये डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अगर इसके एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग देखें, व्हाट इज मेजरमेंट, सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, कोई चीज़ 5 गुना है, कोई चीज़ 10 गुना है किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या होती है। हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, फॉर दिस वी यूज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कोई एक सामान लेने जाते हैं, रस्सी लेने जाते हैं, या फिर ऐसे कोई छोटी चीज़ लेने जाते हैं, थ्रेड लेने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है, ठीक है, वो हम लोगों को किसी एक बेंच से नाप के दे देता है, ये 1 मीटर की बेंच है, और उससे वो नाप के दे देता है कि हाँ ये रस्सी भी अब कितनी हो गई, 1 मीटर की हो गई। तो वो जो बेंच है वो क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं, बेसिकली यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स बेसिकली हम लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे हिंदी में, इकाई, ठीक है। यूनिट्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा, इकाई। बेसिकली ये क्या होते हैं, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज। मतलब ये नॉर्मली क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी ही होती है बेसिकली, उसको हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरी चप्पल 5 नंबर की है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी है, 5 नंबर की मतलब कितनी बड़ी, या मैंने इंच में नापा या फिर सेंटीमीटर में नापा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर मैं उसके पीछे प्रीफिक्स में लगा सकता हूँ, ये 5 इंच की चप्पल है या फिर 5 सेंटीमीटर की चप्पल है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में इंचेस का यूज करते हैं, 5 इंचेस की चप्पल है, 6 इंचेस की चप्पल है, और कुछ जो कंट्रीज होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर की चप्पल है, 12 सेंटीमीटर की चप्पल है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को बेसिक आइडिया आ जाता है कि व्हाट आर यूनिट्स। तो एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज। एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड बना के क्या कर देते हैं, यूनिट को डिफाइन कर देते हैं। अब टाइप कितने होते हैं यूनिट के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं यूनिट के, हम लोग वो देखेंगे। तो बेसिकली यूनिट्स के 2 टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये कुछ एक 7 क्वांटिटीज है, ठीक है, 7 टाइप के यूनिट्स होते हैं जो कि सभी चीज़ों से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ये डिराइव्ड यूनिट्स किससे बने होते हैं बेसिकली, ये बने होते हैं फंडामेंटल यूनिट से। किससे बने होंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से बने होंगे, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम लोग अभी देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली, लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम, टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड्स, किसी चीज़ की अमाउंट के लिए, किसी चीज़ का अमाउंट नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल, टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन का यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली, इलेक्ट्रिकल करंट नापने के लिए एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी नापने के लिए हम लोग कैंडेला का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इसके ऊपर ही डिपेंडेंट हम लोग बनाएंगे, उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स।
क्या पहले से ये सेवन क्वांटिटीज डिफाइंड है? कब से डिफाइंड है ये सेवन क्वांटिटीज? कब से हम लोग इनका यूज कर रहे हैं? क्या पहले से यूज कर रहे हैं? नहीं, पहले से हम लोग इनका यूज नहीं कर रहे, ठीक है? पहले अलग अलग सिस्टम्स का यूज होता था, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे, उसमें FPS था, CGS था और MKS था और भी बहुत सारे सिस्टम्स थे। इनको यूज करने का एक डिसएडवांटेज क्या था, जैसे कि FPS यूज कर रहा है US, ठीक है, US क्या यूज कर रहा है FPS, ठीक है, चाइना क्या यूज कर रहा है CGS यूज कर रहा है और इंडिया यूज कर रहा है MKS, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, US के पास कुछ डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको भेजना है चाइना और इंडिया को, तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाइना और इंडिया के जो यूनिट का सिस्टम है उसमें अपने डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस होता है और कभी कभी क्या हो सकता है इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन सकता है इंडिया के लिए, चाइना के लिए या फिर US के लिए, इन सारी चीजों को ऐसे ट्रांसलेट करना बार बार। तो इसके लिए अब हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए अब हम लोग यूज करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं SI यूनिट्स, क्या बोलते हैं उनको, बेसिकली SI यूनिट्स। अभी ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये नॉर्मली इसको हम लोग बुलाते हैं मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, SI यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आजकल किसका यूज होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज होता है, SI सिस्टम का यूज होता है। क्यों इसका यूज हम लोग इतना ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, जैसे कि हम लोगों को बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी यूज करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग वैक्सीन्स बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, या फिर हम लोग को रॉकेट लॉन्च करना है, ऐसे जो बड़े बड़े क्रिटिकल टास्क होते हैं उसमें जो एक्यूरेसी होती है बहुत ज्यादा होनी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल हो सकता है, कोई दवाई हम लोगों ने अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दी तो हो सकता है कि वो हम लोगों को नुकसान करे, ठीक है, हम लोग को हार्म कर सकता है बेसिकली। तो उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल का यूज करते हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है जो रिडंडेंसी है मेजरमेंट में, कोई भी जो पिटफॉल्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं और ये हमेशा चेंज होता रहता है। जब भी इसमें कोई हम लोगों को अच्छा डेवलपमेंट करने योग्य दिखता है हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे देशों के अलग अलग साइंटिस्ट काम करते हैं और हमेशा ये क्या होती है, इवॉल्व होती रहती है, हमेशा डेवलप होती रहती है ये सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, इसलिए आजकल हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग, बी सेफ, बी एट होम, थैंक यू फ्रेंड्स।